بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। आज जलालैन सानी का सबक नंबर 239 है और इस सबक के अंदर हम सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 39 से लेकर 48 तक का तर्जमा और तफसीर पढ़ेंगे। पहले आयात का तर्जमा देख लें। इल्ला अस्हाबल यमीन, सिवाय दाएं हाथ वालों के, फी जन्नती यतसाअलून, के वो जन्नतों में होंगे, वो पूछ रहे होंगे, यतसाअलून वो पूछ रहे होंगे, अनिल मुजरिमीन मुजरिमों के बारे में, मा सलककुम फी सकर, कि तुम्हें किस चीज ने दोजख में दाखिल कर दिया, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे, वलम नकु नुत्विमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, वकुन्ना नखूजु माल खाइजीन, और जो लोग बेहुदा बातों में घुसते हम भी उनके साथ घुस जाया करते थे, माल खाइजीन घुसने वालों के साथ हम भी बेहुदा बातों में घुस जाया करते थे, वकुन्ना नुकज्जिबु बियौमिद्दीन, और हम रोजे जजा को झूठा करार देते थे, हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक के वो यकीनी बात हमारे पास आ ही गई, फमा तन्फाउहुम शफाअतुश्शाफिईन, चुनांचे सिफारिश करने वालों की सिफारिश ऐसे लोगों के काम नहीं आएगी। अजीज तलबा, गुज़िश्ता सबक की जो आखिरी आयत थी, कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत रहीना, हर शख्स अपने आमाल के मरहून मन्नत है, अपने करतूत की वजह से, करतूतों की वजह से जो है वो अमरहून है, गिरवी रखा हुआ है। अब उससे जो है वो अस्हाबुल यमीन का इस्तिस्ना किया जा रहा है इस आयत में। इल्ला अस्हाबुल यमीन, सिवाय दाएं हाथ वालों के, वो जो है वो अपने आमाल के वो मरहून नहीं है, यानी ईमान और अमाल सालिहा की वजह से वो जो हजरात हैं उनको नजात मिल जाएगी, वो अपने अमाल की वजह से महबूस नहीं होंगे, जन्नत में दाखिल होने के लिए उनके लिए कोई रुकावट नहीं होगी। ये अस्हाबुल यमीन वही हैं जिनका तज़किरा सूरह वाकिया में भी हुआ है, अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फी सिद्र मखज़ूद व तलहिम मंज़ूद व ज़िल ममदूद, उसमें जो तज़किरा वहां पे अस्हाबुल यमीन का हुआ है, यहाँ भी वही अस्हाबुल यमीन मुराद हैं। फी जन्नती यतसाअलून, वो जन्नतों में होंगे, अस्हाबुल यमीन बहिश्तों में होंगे, यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, वो पूछ रहे होंगे मुजरिमों के बारे में, काफिरों के बारे में सवाल कर रहे होंगे, और ये सवाल खुद उन मुजरिमों से उनका होगा, यानी ये जो सवाल होगा उनका वो खुद मुजरिमीन से पूछ रहे होंगे। मा सलककुम फी सकर, तुम्हें किस चीज ने दोजख में जो है वो दाखिल कर दिया। आगे वो दोजख में जाने के असबाब का जिक्र है जो मुजरिमीन जवाब देंगे, उनमें से चंद चीजों का जिक्र है कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, ये मुजरिमीन जवाब देंगे, और हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, वकुन्ना नखूज़ु माल खाइज़ीन, और बेहुदा बातों में घुसने वालों के साथ हम भी जा घुसते थे, मशगला रखने वालों के साथ हम भी मशगला रखते थे। खोज का माना है किसी चीज में घुसे चले जाना, मतलब ये है कि अहले बातिल जो काफिर हैं और मुआनिद हैं, जब वो इस्लाम की जो है वो बुराइयां की जाती थी या इस्लाम की जो है वो मुखालफत में बातें करते थे, वो जो है वो जब आपस में बैठकर इस्लाम की अंदर ऐब निकालने की कोशिश करते थे, तो दूर दूर की बातें सोचते, हम भी उनके साथ ही लग जाते थे, नफूजु हम भी उनके साथ ही जो है वो लग जाते थे, उनकी वो बातें जो इस्लाम के मुखालिफ होती थी, जो इस्लाम के अंदर ऐब निकालने की बातें होती थी,
हम भी उनके साथ उन्हीं बातों में मशगूल हो जाते थे और शरीक हो जाया करते थे। हमारा जुर्म सिर्फ अहकाम पर अमल न करने ही का नहीं था, बल्कि हम काफिर थे और काफिरों के साथ इस्लाम की जो मुखालफत होती थी उसमें भी शरीक होते थे। यानी सिर्फ ये नहीं कि हमने अहकाम पर अमल नहीं किया, यानी कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे या मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, सिर्फ ये वजह नहीं है जहन्नुम में जाने की, बल्कि जहन्नुम में दाखिल होने की ये वजह भी है कि हम अहकाम पर अमल न करने के साथ साथ इस्लाम की मुखालफत में भी काफिरों का साथ देते थे, उनके साथ शरीक हो जाते थे। लिहाजा वो जो इस्लाम मुखालिफ बातें करते थे या इस्लाम की बुराइयां करते थे और इस्लाम के अंदर ऐब निकालने की कोशिश करते थे, तो हम भी माल खाइजीन उनके साथ जो है वो हम भी शरीक होते थे और उन बुराइयों में मशगूल हो जाया करते थे। वो कुन्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन, और हम रोजे जजा की जो है वो तकजीब करते थे, उसको झूठ करार देते थे। यानी जो है वो हम ये समझते थे कि रोजे कयामत की जो बात है कि कयामत आएगी, जब अल्लाह के नबी बताते थे कि कयामत आएगी तो हम उसको झुटलाते थे। नुकज़्ज़िबु, हम झुटलाते थे, हम ये समझते थे कि बास बादल मौत और जजा का जो दिन है ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि हम मर कर खत्म हो जाएंगे और जो है वो हमारी हड्डियां बुसीदा हो जाएंगी। कोई दोबारा उठाने वाला सिलसिला या सवालों जवाब का सिलसिला, हशर का जो सिलसिला है, या फिर जन्नत और जहन्नुम का फैसला है, आमाल की जजा और सजा का मामला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये सिर्फ बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हत्ता अतानल यकीन, बदले का जो दिन है हम उसकी तकजीब करते थे, और ये तकजीब जो है वो हमारी ये जो इनकार और तकजीब था ये आखिर वक्त तक रहा, यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। यकीन से मुराद मौत है कि हमें जो है वो मौत आ गई। हमारा ये इनकार मुसलसल था और ये तकजीब जो थी ये मुसलसल थी, हमारे मरने तक थी, हमने मरने तक भी रोजे जजा पर यकीन नहीं किया, हमने उसको उसकी तकजीब ही की, हमने उसको नहीं माना आखिर वक्त तक। तो लिहाजा मौत तक हम इस पर कायम थे, हमें जो है वो हमारा खात्मा ही इसी नाफरमानी पर हुआ है, तो लिहाजा इस वजह से हम जो है वो दोजख में आ गए हैं। फमा तनफउहुम शफाअतु शाफिईन, तो इन लोगों को शफात करने वालों की शफात नफा नहीं देगी। ये जो मुजरिमीन होंगे जो जहन्नुम में जाएंगे, इनको जो है वो शफात करने वालों की शफात बिल्कुल भी नफा नहीं देगी। काफिर के लिए कोई शफात करने वाला तो होगा ही नहीं पहले से, जो उसे जो है वो दोजख से निकलवा ले सिफारिश करके, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि सूरह मोमिन में अल्लाह ताला फरमाते हैं, माल जालिमीन मिन हमीम वला शफीई युता, जालिमों के लिए ना कोई दोस्त होगा और ना कोई सिफारिश करने वाला होगा जिसकी सिफारिश मानी जाए। तो लिहाजा ऐसे लोगों को सिफारिश करने वालों की सिफारिश कोई फायदा नहीं देगी, इनके लिए कोई सिफारिश करने वाला होगा भी नहीं। गोया के इस आयत के अंदर ये जो है वो अला सबील फर्ज है कि अगर बिलफर्ज कोई सिफारिशी सिफारिश करे भी तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। पहली बात तो ये, जैसे सूरह मोमिन की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, मालिज़ालिमीन मिन हमीम वला शफीई युता, के इनका कोई मददगार और सिफारिशी होगा ही नहीं। लेकिन अगर बिलफर्ज कोई सिफारिश कर भी दे, कोई इनकी जो है वो इनकी इनके हक में कोई इस तरह की सिफारिश कर दे, तो उनकी सिफारिश इनको फायदा नहीं देगी और इनके हक में उस सिफारिशी की सिफारिश कबूल ही नहीं की जाएगी। तो लिहाजा ये अला सबील फर्ज है कि इनको सिफारिश करने वालों की सिफारिश नफा नहीं देगी, क्योंकि किसी सिफारिश करने वाले को जो है वो इनकी सिफारिश की इजाजत ही नहीं मिलेगी। अगर वो जो है वो तमाम जो शुफा हैं, जो सिफारिश करने वाले हैं, उनको भी जमा कर लें तो भी इनको सिफारिश करने इनके हक में सिफारिश करने की किसी को इजाजत नहीं मिलेगी। तो लिहाजा ये अला सबील फर्ज है कि अगर कोई सिफारिश करे भी तो भी इनके हक में उसकी सिफारिश की इजाजत उनको नहीं मिलेगी, और अगर सिफारिश करे भी तो
तो भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला, किसी की सिफारिश इनके हक में कबूल नहीं की जाएगी। अब इन आयात की तफसीर जलालैन मुलाहिजा हो, इल्ला अस्हाबल यमीन, सिवाय दाएं हाथ वालों के, यानी वो जो है वो अपने अमाल की वजह से महबूस नहीं होंगे। वहुमुल मुमिनूना फनाजूना मिन्हा काइनूना, सन्ने फरमाते हैं कि वो मोमिनीन मुराद हैं, यानी जो असाबुल यमीन है वो मोमिनीन जो है वो इससे मुराद हैं। फनाजूना, जो जहन्नम से निजात पाने वाले हैं। काइनूना, ये जो है मुसन्निफ ने काइनूना महजूफ मानकर इस तरफ इशारा किया है कि फी जन्नाती यतसालून जो है ये महजूफ के मुतालिक है। फी जो है वो फी जन्नाती यतसालून, ये महजूफ के मुतालिक है, और महजूफ यहाँ पर हुम है, हुम मुबतदा है, और ये हुम मुबतदा की खबर है। फी जन्नाती यतसालून, ये कायनून जो है ये फी जन्नाती यतसालून के लिए मुसन्निफ ने महजूफ माना है। तो हुम जमीर जो है वो यहाँ पर जो है वो महजूफ है, मुबतदा महजूफ की खबर फी जन्नाती यतसालून है, और मुबतदा खबर से मिलकर ये जुमला मुस्तानिफा है। फी जन्नाती यतसालून, जो कि सवाल मुकद्दर का जवाब है। मा शानुहुम व हालुहुम, ये सवाल है और उसका जवाब है फी जन्नाती यतसालून, कि वो जन्नत में होंगे। यानी असहाबुल यमीन के बारे में ये सवाल है कि उनकी क्या हालत है, उनकी क्या शान है, तो उसका जवाब है हुम फी जन्नाती यतसालून, वो जन्नत में होंगे, जन्नतों में होंगे। तो लिहाजा ये फी जन्नातिन हुम जमीर से मुतालिक होकर मुबतदा महजूब की खबर है, और इससे इससे जो है वो ये जवाब है इस बात का कि ये असहाबुल यमीन की हालत क्या होगी, उनकी शान क्या होगी, तो उसका जवाब है कि वो जन्नतों में होंगे। यतसाअलूना बैनहुम, वो आपस में एक दूसरे से सवाल कर रहे होंगे। अनिल मुजरिमीना, मुजरिमों के बारे में, वहालिहिम और उनके हाल के बारे में, मुजरिमों और उनकी हालत के बारे में वो ये आपस में सवाल कर रहे होंगे। वयकूलून लहुम बाद इखराजिल मुवहिदीन मिनन नार, और वो जो है मुवहिदीन जो हैं उनके जहन्नुम से निकाले जाने के बाद जो है वो दोजख से निकलने के बाद मुजरिमीन से सवाल करेंगे। वयकूलून लहुम, और उनसे कहेंगे बाद इखराजिल मुवहिदीन मिनन नार, मुवहिदीन दोजख से निकलने के बाद मुजरिमीन से ये सवाल करेंगे, मा सलाककुम अदखलकुम। ये सलाककुम का माना बयान कर दिया कि किस चीज ने तुम्हें दाखिल किया है फी सकर जहन्नुम में, तुम्हें दोजख में किस चीज ने दाखिल किया है। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, तो इसके जवाब में वो जो मुजरिमीन होंगे वो कहेंगे हम नमाज पढ़ने वालों में से न थे। वलम न कुनु तुमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। वकुन्ना नखूजू, और हम जो है वो जा घुसते थे फिल बातली बातिल में, माल खाइजीन घुसने वालों के साथ, यानी जो है वो बातिल के जो मशगला रहता था उस मशगले में हम भी बातिल के मशगले में रहने वालों के साथ बातिल के मशगले में जा घुसते थे। यानी जो उनकी इस्लाम के खिलाफ बातें होती थी, या इस्लाम के खिलाफ वो जो साजिशें तरह तरह की करते थे, या इस्लाम की बुराइयां बयान करते थे, या इस्लाम के अंदर ऐब निकालने की कोशिश करते थे, बातिल का जो मशगला था उस मशगले में हम भी उनके साथ शरीक हो जाया करते थे। वकुन्ना नुकज्जिबु बियौमिद्दीन अलबअस वलजज़ाई, और हम जो है वो रोजे जजा को झूठ करार देते थे। अलबासी वल जजा, यौमुद्दीन से मुराद मुसन्ने फरमा रहे हैं कि बास बादल मौत है और जजा है, यानी बास बादल मौत और जजा का हम इनकार करते थे, हम उसे झूठ करार देते थे। हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक के हमें जो है वो बात आ ही गई हमारे सामने जो यकीनी है। अल मौतु, यानी हमारे सामने मौत आ ही गई। फमा तनफउहुम शफाअतुश शाफईन, यहां तक कि उनको शफात करने वालों की शफात नफा नहीं देगी।
من الملائكه والانبياء والصالحين, वो शफात करने वाले कौन है, यानी फरिश्तों, नबियों और सालिहीन की शफात जो है वो उनको नफा नहीं देगी। वलमाना ला शफात लहुम, ये जो इबारत है इस इबारत से मुसन्निफ ने एक एतराज का जवाब दिया है। एतराज ये होता है कि फमा तनफअहुम शफात शाफईन जो है, इस आयत से ये पता चलता है कि उनके लिए सिफारिश करने वाले तो होंगे लेकिन शफात उनको कोई फायदा नहीं देगी, हालांकि हकीकत यह है कि उनके लिए शफात ही नहीं होगी। जैसा कि सूरह मोमिन की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, तो उसका जवाब ये है कि नफी कैद और मुकैद दोनों के ऊपर दाखिल है, यानी ना शफात होगी और ना ही शफात का नफा होगा। वलमाना ला शफात लहुम, मतलब ये है कि उनके लिए शफात ही नहीं होगी। आखिर में आप हजरात से दो सवाल है। नंबर एक, वकुन्ना नखूज़ु माल खाइज़ीन से कौन मुराद है? नंबर दो, हत्ता अतानल यकीन में यकीन से क्या मुराद है? इन दोनों सवालों का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।